हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, मैंने मोटोरोला का जो अभी अभी लॉन्च हुआ है मोटो G34, वो फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, तो उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और दिखाऊंगा और क्या क्या फीचर्स है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ओके, और इसका जो प्राइस है वो मैं बताऊंगा कि मैंने कितने में इसको बाय किया। ओके, तो ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉक्स आने लग गया आजकल, आप लोग देख सकते हो बॉक्स काफ़ी कॉम्पैक्ट आने लग गया, छोटे पहले काफ़ी बड़े बड़े आते थे। और ओके, यहाँ पे मोटरो का ब्रांडिंग है और मोटो G34 लिखा हुआ है। ओके, इसको चलो हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये टैब पहले से हटा चुका हूँ मैं, तो चिंता ये मत सोचना, ठीक है, कि ऐसे आया हुआ था। तो जैसे हम इसको यहाँ से बॉक्स को हटाते हैं, तो सबसे पहले हमें फ़ोन ही देखने को मिलता है गाइस, ये पन्नी में लपेटा हुआ। ओके, और इसमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है कि ये ऑब्वियसली सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 5G फ़ोन है। मेरे ख्याल से सबसे सस्ता और सबसे मस्त 5G फ़ोन है, आगे ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, इसके फीचर्स भी बताऊंगा। तो पहले खोलते डिब्बा आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। ओके, कलर कौन सा है वो भी दिखाऊंगा इससे पहले, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैनुअल्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। ओके, मैनुअल्स के अलावा आपको यहाँ पे 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, वायर्ड वाला 18 वाट का चार्जर है गाइस। इसको रख देते हैं साइड में। इसके अलावा हमें बॉक्स में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। ये है बॉक्स, इसको बॉक्स को भी रख देते हैं अब साइड में। तो हमारा मेन मकसद है अब फ़ोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ और इसके कुछ जो मेन फीचर्स है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम फ़ोन को का जो प्लास्टिक है वो हटा देते हैं और फ़ोन को ऑन करते हैं पहली बार। तो जैसे हम लोग फ़ोन को पहली बार ऑन करते हैं तो गाइस हमें यहाँ पे मोटरोला का लोगो देखने को मिलता है और पावर्ड बाय एंड्रॉयड, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एंड्रॉयड देखने को मिलता है। और कमाल की बात गाइस ये है कि मैं आपको बता दूँ, ये एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन जैसे ही लॉन्च होता है तुरंत आपको एंड्रॉयड 14 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि लेटेस्ट जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये जब तक फ़ोन ऑन होता है तब तक पीछे के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये आप लोग कलर देख सकते हो, काफ़ी मस्त कलर है ये। मतलब अब मैं एक्चुअल इसका डब्बा में लिखा होगा कौन सा कलर है यार, लेकिन मैं एक्चुअल कलर में आपको ये बता नहीं सकता यार कौन सा कलर है, लेकिन कभी बहुत प्यारा सा यूनिक सा कलर है। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, मेरे जो भाई है वो दिखा देंगे अगर पूरा कवर कर पा रहे हैं तो। ओके, और यहाँ पे दो कैमरा आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैश देखने को मिलता है। ये मेन जो कैमरा गाइस वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये दूसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फ्रंट का जो कैमरा है गाइस वो आपको मेरे ख्याल से वो 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। और गाइस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो है ना 4K जो है ना रिकॉर्ड नहीं करता या 2K भी रिकॉर्ड नहीं करता, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो गाइस यहाँ पे आपको 1080 और 30 FPS में ही देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया है यार फ़ोन, काफ़ी बढ़िया है। और जो मेन फीचर्स मैं आप लोग को इसका बता देता हूँ कि वो ये है कि गाइस इसमें जो है ना आप 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही स्मूथ होने वाला है आपका जो फ़ोन चलाने का जो एक्सपीरियंस है, स्क्रॉल वगैरह करते हो या फिर फेसबुक चलाते हो, वेब ब्राउजिंग वगैरह करते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा एक और ख़ास बात गाइस इसका ये है कि आपको यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जो कि आजकल के जो फ्लैक्सी फ़ोन से उसमें भी नहीं देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन में आपको 3.5 mm का जो है ऑडियो जैक देखने को मिलता है, यानी कि हेडफोन लगा के मस्त गाने वगैरह सुन सकते हो। ओके, इसके अलावा एक और ख़ास बात इस फ़ोन का गाइस ये है कि ये SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। आजकल के फ़ोन्स में आपको पता है कि आपको SD कार्ड देखने को नहीं मिलता, बट इसमें आपको SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। 2 SIM भी डाल सकते हो या फिर एक SD कार्ड डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से है। ओके, तो मेन चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा इसका जो प्रोसेसर है गाइस वो आपको देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। तो पबजी वगैरह का जो गेम प्ले टेस्ट मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शूट करने के बाद, अपलोड करने के बाद। ओके, तो इसमें पबजी टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि BGMI खेल के दिखाऊंगा कि कितना कितना हमें ग्राफिक्स देखने को मिलता है और उसके अलावा कितना FPS हमें देखने को मिलता है। ओके, तो गाइस ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, रिव्यू वीडियो नहीं है, और फोटोज़ भी ठीक ठाक आते हैं। मैंने कुछ क्लिक्स लिए हैं उसका, मैं स्क्रीन उसका जो इस फ़ोन से जितने भी क्लिक्स लिए हैं मैं साइट में पहले अनबॉक्स ऑब्वियसली कर चुका हूँ, मैं आप वीडियो के लिए दोबारा अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो गाइस जो इससे क्लिक्स लिए हैं वो मैं साइट में आपको लगा दूंगा, देख लेना। ओके, इसके अलावा BGMI का हम गेम प्ले टेस्ट करने वाले हैं, उसका वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है,
होप सो आपको अच्छा लगा है, और कुछ पूछना है इस फ़ोन के बारे में तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है मोटोरोला का मोटो G34, और हाँ गाइस, इसका प्राइस जो मैंने जो लिया है गाइस 10,999, यानी कि 11,000 में मैंने लिया है। ओके, ये फ़ोन तो आप लोग देख सकते हो, मोटो G34। ओके, और 5G फ़ोन है, 5G चल जाएगा सिम वगैरह। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको BGMI का टेस्ट करके दिखाऊंगा। हो सकता है तो मैं इसका रिव्यू भी दूँ, 10 एक दिन चला के इस फ़ोन का कंप्लीट रिव्यू दूँ कि ये फ़ोन कैसा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके पूछ लेना अगर कुछ पूछना हो तो। बाय, पीस।